हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास फोर एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर नाइन वाई चैप्टर इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर एट तक के मतलब यूनिट वन से लेकर के यूनिट थ्री तक के सारे उतना चैप्टर तक का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर फोर्टीन तक के भी हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर फोर्टीन तक के मैथ के भी सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर 27 के ईवीएस के भी सारे एक्सप्लेनेशन को आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ये तीनों जो है सब्जेक्ट, ये तीनों का आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ग्रामर का वीडियोज है वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में रहेगा चैनल का, ठीक है। चैनल में नहीं, प्लेलिस्ट में ग्रामर वाला मेरा रहेगा, ओके। तो चलिए हम अपना चैप्टर आज शुरू करते हैं। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने आपको पिछले परसों रात को मैंने एक कमेंट किया था कि कल वीडियो आएगा, तो कल मैंने शूटिंग किया था, ठीक है। कल शूटिंग किया था तो उसमें भी एडिटिंग में दिक्कत हो गया था, तो आज मैं शूटिंग किया हूँ और आज एडिटिंग करके आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वाई चैप्टर में आज हम लोग वाई चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को समझाता हूँ। तो वाई चैप्टर ये क्वेश्चन वर्ड है, ये वाई तो एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। वाई मतलब क्यों होता है, ठीक है। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने चैप्टर के नाम को समझ लिया, वाई मतलब क्यों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इस पोयम को एंजॉय करते हैं, ठीक है। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय वू इज ऑलवेज आस्किंग वाई। मैं एक छोटे से क्यूरियस मतलब एक जिज्ञासु लड़के को जानता हूँ, जिसे सब चीज़ जानने की होती है, जिज्ञासा होती है, ठीक है, होता है ना। तो किसी भी चीज़ को जिज्ञासा होती है, किसी भी चीज़ का वो हर चीज़ पे क्यों पूछ देता है, क्वेश्चन वर्ड ला देता है, ठीक है। तो उसे हर चीज़ का जानने का इच्छा होता है, जिज्ञासा होता है। तो वो एक छोटा सा कि लिटिल बॉय क्यूरियस है, जिज्ञासु लड़का है, ठीक है। वो हमेशा वाई कहता है, किसी भी चीज़ पर वो वाई कहता है, ठीक है। Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? वो बोलता है यह क्यों, why that मतलब वह क्यों, why then अभी फिर क्यों, और why not अभी क्यों, why not क्यों नहीं, और why by the by मतलब उसके मुंह पे हर समय why 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 मतलब क्यों क्यों ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। मतलब है कि वो जानना चाहता है कि क्यों जो लकड़ी होता है, आप लकड़ी देखे होंगे, वो तैरता है, और जो लीड और मार्बल होता है, लीड मतलब होता है शीशा, तो वो जो शीशा होता है वो, और जो मार्बल पत्थर होते हैं, मार्बल मतलब कंचे भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मार्बल का मतलब दूसरा है, ठीक है, मार्बल मतलब पत्थर। तो जो पत्थर होता है वो भी अगर आप पानी में डालेंगे तो वो तुरंत डूब जाएगा, और लकड़ी कितना भी भारी रहेगा, कोई बेड ही हो जाए लकड़ी का तो वो नहीं डूबेगा, और कोई इतना छोटा सा आप ये छोटा इतना छोटा सा भी एक पत्थर आ जाएगा पानी में तो वो डूब जाएगा, और अगर लकड़ी भी इतना बड़ा आ गया तो भी वो फ्लो ही करते रहेगा, ठीक है। वाई सन शुड शाइन एट मेन पर गया, तो जो सूरज है वो क्यों शाइन करता है, क्यों चमकता है, और जो हवा है वो क्यों ब्लो करता है, क्यों जो ब्लो होता है मतलब बहना, तो हवा क्यों बहता है, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, तो और हम लोग क्यों खाते पीते हैं, ठीक है, ये वो जानना चाहता है। ही वांट्स टू नो, आगे है, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई, व्हाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड व्हाई द फ्लावर डाई। वह जानना चाहता है कि जो बादल होते हैं, आप बादल आसमान में देखते हैं तो वो किस चीज से बनते हैं, और वो जो आसमान होता है वो आसमान में ही क्यों क्रॉस करते हैं, आसमान को क्यों क्यों क्रॉस करते हैं बादल। और आपने देखा होगा जो सूरज होता है वो जो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों के पीछे जाकर के डूब जाता है, तो ये क्यों डूबता है, और जो फ्लावर हैं वो क्यों मुरझा जाते हैं, जैसे नहीं कहीं जो सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर होता है, तो वो जब तक सूरज रहेगा तो वो रहेगा खिला हुआ, ठीक है, और जब सूरज नहीं रहेगा तो वो मुरझा जाएगा, ठीक है, रात को वो मुरझा जाता है और सुबह देखिएगा तो वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खुला हुआ होगा।
Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Other no one ever it has found the reason why. अब कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसका आज तक रीजन कारण नहीं पता चला, जैसे सूरज क्यों चमकता है, हवा क्यों चलता है, और यही सब चीज़ जो ऐसे क्वेश्चन था उसका आज तक कारण नहीं पता चला। और कुछ क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं और पीते क्यों हैं, तो ये सब चीज़ आप बता सकते हैं खुद, आप ट्राई करेंगे तो आप बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो लड़का है ये क्या कर रहा था, पत्थर को जब दे रहा था नदी पानी में, तो क्या हो रहा था, जो पत्थर है वो डूब जा रहा था, लेकिन जो लकड़ी दिया था वो डूबा नहीं था, वो तैर रहा था। तो वही ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है। चलिए न्यू वर्ड्स देख लीजिए। न्यू वर्ड्स है हमारा क्यूरियस, पहला क्यूरियस है, जिसे हम लोग अभी मैंने आपको बताया था जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखना, ठीक है, वो जिज्ञासा रखता था। आगे है लीड, लीड मतलब होता है शीशा। एक लीड का मतलब होता है कोई भी जो लीडर होता है वो किसी ग्रुप को, क्लास फाइव में मैं आपको एक चैप्टर उसे बताऊंगा, उसमें लीड मतलब और अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो जो लीडर होता है वो किसी भी ग्रुप को लीड करता है, तो उसका मतलब भी होता है लीड। और एक तो यहाँ कहा जो पोयम है इसमें लीड का मतलब है शीशा। और मार्बल, मार्बल के यहाँ कंचे भी होते हैं, मार्बल मतलब कंचे भी होते हैं, और एक मार्बल का मतलब होता है पत्थर। सिंक, सिंक मतलब डूबना, इसका अपोजिट होता है स्विम मतलब तैरना। रीजन, रीजन मतलब कारण आपको पता है। क्यूरियस आपको एक नया वर्ड मिल गया, और लीड मतलब भी आपको एक नया मिल गया। क्यूरियस, लीड एंड मार्वल, ये तीनों आपको लगता है नया लग रहा है, और सिंक रीजन तो आपको पता ही था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आपके आंसर के पास आ गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक है रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मजे में, पढ़ाई में मजे में करेंगे तो ही तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं रीडिंग इज फन टॉपिक का। तो हमारा पहला टॉपिक है नेम अ फ्यू थिंग्स डेट सिंक, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो डूब जाते हैं, ठीक है, पानी में डालती हैं वो डूब जाते हैं। सेकंड, लिस्ट थ्री क्वेश्चन डैट लिटिल बॉय आस्क, और ऐसे तीन क्वेश्चन बनाइए जो जो छोटा लड़का था, जो जिज्ञासु लड़का था वह पूछा था, ठीक है। और तीसरा है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइबड इन द पोयम, पोयम में लड़के को क्या डिस्क्राइब किया गया है, सैड मतलब दुखी, ब्रेव मतलब बहादुर, या क्यूरियस, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो आंसर ये है, तो नेम ऑफ यू थिंग्स डैट सिंक का आंसर है आयरन। आयरन लोहा कहते हैं, लोहा भी डूब जाता है। स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर होता है, तो ये भी डूब जाता है। लीड मतलब शीशा, ये भी डूब जाता है। मार्बल मतलब कंचे, कंचे भी होते हैं तो डूब जाते हैं। कप, कप भी डालेंगे तो वो डूब जाएगा, प्लेट भी डालेंगे तो डूब जाएगा, एटसेट्रा, जो भी चीज़ें, कॉइन्स भी, कॉइन्स भी आप डालेंगे तो वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे भी समझ नहीं आता कि ये सब चीज़ क्यों डूबते हैं। हाँ, और लकड़ी क्यों नहीं डूबता, ये भी मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आप बता दीजिएगा कमेंट में क्या है। अगला है लिस्ट थ्री क्वेश्चन डैट द लिटिल बॉय आस्क, तो इसका आंसर है थ्री क्वेश्चन डैट द लिटिल बॉय आस्क आर वाई डू वुड स्विम एंड मार्बल सिंक, जो लकड़ी था वो क्यों स्विम करते, क्यों तैरता, और मार्बल जो है, कंचे जो है, और पत्थर, पत्थर भी कहते, तो वो क्यों डूब जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है था व्हाट मेक्स द क्लाउड, बादल किससे बनते हैं, और अगला वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, हम लोग खाते और पीते किस लिए हैं, क्यों हैं। ओके, और तीसरा है कि उस लड़के को किस किस नाम से, मतलब किस चीज़ से डिस्क्राइब, उस पोएम में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, तो इस पोएम में इसे क्यूरियस नाम से, मतलब जिज्ञासु नाम से डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये, लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं, ऐसे नहीं, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टॉपिक ही है लेट्स टॉक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय, अब यहाँ जो राम है वो एक छोटा सा है लड़का है, लेकिन वो जिज्ञासु है, यहाँ भी वो जिज्ञासु है। राम एक लड़का है जो कि बहुत जिज्ञासु है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। वन डे ही केम होम एंड आस्किंग हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक, एक दिन वो जब घर आता है तो अपने दादाजी से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछता है, क्या पूछता है, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। सोलर एसिलिप्स, पहले एसिलिप्स मतलब बता देता हूँ, एसिलिप्स मतलब होता है ग्रहण,
कोई भी चीज का ग्रहण। सोलर मतलब होता है सूरज, ठीक है। तो सूरज ग्रहण आप सूर्य ग्रहण सुने होंगे। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण को कहते हैं ल्यूनर एलिप्स, ठीक है। कैसे ल्यूनर लिखा था ऐसे, ठीक है, LUNAR और ECLIPSE, ये स्लिप्स हो गया, ठीक है। तो अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत छोटा जगह तो नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है। दूसरा है, वाई कांट वी टच द सन, हम लोग सूरज को क्यों नहीं टच कर सकते हैं। और तीसरा है, वाई कांट वी गो आउट टू द प्ले इन डार्क, और हम लोग अंधेरे में क्यों नहीं, हम लोग से ज़्यादा ज़्यादा में से रात को खेलने नहीं जाते, तो क्यों नहीं जाते हैं बाहर। तो अब आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है, तो मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। डिस्कस थ्री डीज क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड क्लास, आप इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए अपनी टीचर्स के साथ, अपने क्लास के साथ, कि आपको इसका आंसर पता चला। तो मुझे कुछ आंसर यह पता चला, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जब सूरज ग्रहण होता है तो क्यों हम लोग सूरज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सूरज क्यों नहीं दिखता है, पहली बात तो दो कारण है। पहला कारण यहाँ मैंने आपको लिख करके दिखाया है, और दूसरा कारण जो है वो मैं आपको बोल के बता दूंगा, ठीक है। तो पहला है, वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर सिप्स बिकॉज द लाइट ऑफ द सन कैन प्रूव हार्मफुल आवर आईज। जो हम लोग क्यों नहीं सूरज को देखते जब सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि जो सन का लाइट होता है ना, वो हमारे आँख को हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। ऊपर आप देखेंगे तो आपका आँख बंद होने लगेगा, क्यों, क्योंकि आप उतना ऊंचा पहले देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सूरज का जो लाइट होता है ना, तो वो आपके आँख पे आता है, तो आपके आँख के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए कभी भी आप जब धूप निकला रहेगा तो आप ऊपर देखेंगे तो आपका आँख बंद होने लग जाएगा, ठीक है, आप देख कुछ नहीं पाएंगे। फोटो खींच लेंगे लेकिन आप अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे, तो ये आपके आँख के लिए हानिकारक होता है। देखिएगा भी, जो जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, नहीं दिखता तो मत देखिए, ठीक है, और अगर दिखता है तो देखिए, ऐसे नहीं देखिए, नहीं तो आपके आँख के लिए हानिकारक होता है। और दूसरा कारण है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा धरती है, ये देखिए, ये मानिए मैं आपके लिए तीन गोला बना देता हूँ, तो देखिए यहाँ मैंने आपके लिए बना दिया हूँ, तो देखिए ये अर्थ है, यहाँ से आप सन को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ना, तो जो सन होता है वो आप देखते हैं तो आपको आँख में हार्मफुल देता है। तो ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण है कि जब अर्थ को मतलब अर्थ सन दोनों सामने रहता है, तो उसके बीच में जब मून आ जाता है, चंद्रमा, वो अंधेरा रहता है, जब रात को चांद आ जाता है तो अंधेरा नहीं हो जाता है, तो वो रात को पूरा धरती को रात नहीं कर देता, दिन तो दिन ही रहेगा, वो रात नहीं होगा कभी भी, लेकिन वो क्या करेगा, जो सन है उसे छुपा देगा, पूरा दिन को तो वो नहीं छुपा पाएगा ना, तो धरती के अंदर तो वो नहीं, धरती के बाहर है ना, तो वो सन को जो है वो छुपा देता है, ठीक है। तो वो जो सन मून है वो सन को छुपा देता है, तो सन का कुछ ही जगह मतलब चारों तरफ का, कभी कभी चारों तरफ का एरिया दिखता नहीं, तो दिखता ही नहीं है। ये भी दूसरा कारण है, ठीक है, आप जब बड़े होंगे ना तो साइंस में ये चीज़ पढ़ेंगे, ओके। ज़्यादा डीप नहीं समझाता हूँ, नॉर्मल समझ जाइए कि जब अर्थ और सन सामने सामने होते हैं तो मून आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है और जिसके कारण हम लोग को सूरज नहीं दिखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, सॉरी, अभी तो दूसरा तीसरा का आंसर बताया नहीं, चलिए बता देता हूँ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, वाई कांट वी टच द सन, हम लोग सूरज को क्यों नहीं टच करते। तो इसका आंसर है, द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, जो सूरज है वो आग का एक गोला है, ठीक है, बहुत गर्म होता है, इट इज टू हॉट टू टच, आप उसे टच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म, इट इज ऑल्सो टू फार टू रीच और टच, और एक तरह से ये बहुत ज़्यादा दूर भी होता है, सूरज हमारे से बहुत मिलियन किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग उतना दूर पहले पहुँच पाएंगे तो ना टच करेंगे, और टच दूसरा कारण टच भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, आप उससे अगर बहुत दूर जो अर्थ में आप रहते तो आपको छत पे जाते तो गर्मी नहीं लगती है, तो अब वहाँ जाएंगे तो कितनी गर्मी लगेगी, तो आप जल जाएंगे, ठीक है। तो जब आप धरती पे ही रहते तो आपको कितनी गर्मी लगता है, पसीना आ जाता है, ओके, तो इसीलिए बहुत गर्म होता है, इसलिए हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सब टच करके आ जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई कांट वी गो आउट द प्ले इन द डार्क, हम लोग रात को बाहर खेलने क्यों नहीं जाते हैं, अंदर ही खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं अंदर, लेकिन बाहर क्यों नहीं जाते डार्क में। तो प्रॉपर लाइट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज लाइक,
प्लेइंग गेम्स, ठीक है, सॉरी कुछ आ गया था इशू। वी मे बी फॉल डाउन और गेट हर्ट इफ़ वी प्ले इन डार्कनेस। प्रॉपर अगर लाइट होता है तो हम लोग किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक गेम भी खेल सकते हैं जब प्रॉपर लाइट होता है। अब जब प्रॉपर लाइट ही नहीं रहेगा तो हम लोग गिर जाएंगे और हम लोग को चोट लग जाएगा जब अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये वर्ड बिल्डिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएट विथ राइमिंग विथ द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस राइम, सॉरी। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको वर्ड्स भरना है जो पोयम है, यहाँ छोटा पोयम है, यही पोयम है शायद, पोयम से नहीं लिया गया, ठीक है, पोयम से नहीं लिया गया, मैं देख लिया, पोयम से नहीं है ये। तो यहाँ कुछ वर्ड्स है पोयम के, कोई सा पोयम के वर्ड्स हैं। तो यहाँ जो भी यहाँ रेड कलर से कलर्ड वर्ड है इसका आपको राइमिंग वर्ड लिखना है जहाँ सेंटेंस लिखने का जगह है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक है, तो यहाँ आपको भरना है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक से ये, तो इसमें आपको भरना है, जैसे वाई इज द डैश सो हाई, डू यू नो द कलर ऑफ डैश, है तो आपको बताना इन दो। एक और क्या हैव यू फाउंड वू मेड द डैश, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर डैश, ठीक है। तो आप, मैं चारों क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो चारों क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर ये है वाई इज द स्काई सो हाई। तो इसमें जो वाई है इसका हम लोग राइमिंग वर्ड यहाँ ब्लैंक में लिख सकते हैं स्काई, ठीक है। और अगला है डू यू नो कलर ऑफ द नो, डू यू नो द कलर ऑफ नो, ठीक है। तो यहाँ भी राइमिंग वर्ड एक तरह से होता है। हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड, ठीक है। तो इसमें फाउंड और क्लाउड में ज़्यादा राइमिंग नहीं हो रहा, लेकिन प्रिंटिंग में गलती से दूसरा चीज़ हो गया होगा। ओके, और अगला पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, तो ये राइमिंग वर्ड हो रहा है, अपना ग्लास ग्लास को यहाँ पुट कर दो, तो ये ग्लास को यहाँ पुट करो तो डूब जाएगा जब तुम अपना डैश फिनिश कर दो, तो डैश में क्या भराएगा, ड्रिंक भराएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, यहाँ जो स्पेलिंग्स दिए गए हैं वर्ड्स के वो जम्बल्ड हैं, ठीक है, मतलब उल्टा पुल्टा है। पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन, इन्हें सही करो और एक सेंटेंस बनाओ अपने से। जैसे डब्ल्यू के एन है तो इसे नो बना है तो इसे आपको सेंटेंस बनाना है, डब्ल्यू आई एस एम है तो इसे आपको इसका राइट वर्ड लिखना है और उसके बाद आपको सही करना है, ठीक है। तो इन पाँचों को मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो हमारा जो फर्स्ट जम्बल्ड वर्ड है वो है डब्ल्यू के एन, ठीक है, इसका राइट वर्ड होगा नो और इससे सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है। ओके, और अगला है हमारा जम्बल्ड वर्ड, सेकेंड जम्बल्ड वर्ड इज वाई विज्म, इसे विज्म बोल सकते हैं लेकिन जम्बल्ड वर्ड है तो हम लोग स्पेलिंग से ही बोलते हैं, डब्ल्यू आई एस एम, और इसका राइट वर्ड होगा स्विम, ही स्विम्स फॉर आवर ड्यूरिंग वीकेंड्स, वह बहुत घंटे, मतलब फोर का दूसरा मतलब होता है, लेकिन ये जो आदमी है एक है वह हर मतलब वो हर सप्ते मतलब घंटे जितने भी घंटा मतलब समझ लीजिए कि वो हर सप्ते कुछ घंटे मतलब फोर आवर मान लीजिए, लगता है प्रिंटिंग में गलती हो गया का, तो ये सिम्स फोर आवर वो चार घंटे हर सप्ते मतलब हर सप्ते चार घंटे हर दिन जो हर सप्ते में हर दिन वो चार घंटे स्विम करता है, तैरता है। डी ए ई एल, ये तो हमारा तीसरा जम्बल्ड वर्ड है डी ए ई एल, और इसका राइट वर्ड होगा लीड, लीड इज हैवी मेटल, लीड जो है शीशा जो है वो बहुत हैवी मेटल है, ठीक है। अगला हमारा है जो फोर्थ जम्बल्ड वर्ड इज बी एल ए आर एम एम ई, और इसका राइट वर्ड होगा एम ए आर बी एल, मतलब मार्बल, मार्बल मतलब कंचे भी होते हैं और नॉर्मल पत्थर भी होते हैं। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, जो बिल्डिंग है वो एक वाइट मार्बल, वाइट मतलब मार्बल जो होता है ना सफ़ेद मार्बल, सब लोग बोलते हैं सफ़ेद पत्थर लगा है ज़मीन पे, तो वाइट मार्बल से ये बिल्डिंग बना है, ठीक है। और आप बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं, मैंने ऐसे बनाया है एल एल आई एस एस, और इसका राइट वर्ड होगा हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइम द हिल्स, ये बहुत मुश्किल है इस पहाड़ को चढ़ना, ठीक है, डिफ़िकल्ट है क्लाइम करना चढ़ना। ओके, तो चलिए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट, चलिए आपको यहाँ लिखना कॉपी किताब निकाल के देखिए जब मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, ठीक है।
डिस्कस एंड राइट, आप डिस्कस कीजिए और राइट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, क्यों जो बिल्लियाँ और कुत्ते हैं वो फाइट करते हैं, क्यों एक दूसरे से वो लड़ाई करते हैं, क्यों वो एक दूसरे के दुश्मन है। और दूसरा है व्हाई डू वी अक्रॉस द रोड नॉट रन, हम लोग ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों सड़क पे दौड़ते नहीं चलते हैं, ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्रॉस करते हैं कभी भी रोड को। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यह है, तो हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर ये है व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, तो आंसर है डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली टू कैट्स, कुत्ते जो होते हैं वो बिल्लियों को दोस्त नहीं मानते हैं, ठीक है। व्हेनेवर दे मीट दे स्टार्ट फाइटिंग बिकॉज डॉग्स मेक अटेम्प्ट टू किल कैट्स हु आर फोर्सेड टू फाइट विद देम टू सेव देम सेल्फ, ठीक है। तो वो एक कभी भी मिलते हैं तो फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो बिल्लियों को मारना चाहता है और फोर्स करता है कि फाइट करे और अपने आप को बचा सके, ठीक है। वो खाते भी बिल्लियों के मांस को, तो उससे उनकी और शक्ति बढ़ जाती है और भी मारते हैं तो जिससे वो बच सके ज़्यादा। बिल्लियों का जो नाखून होता है वो ज़्यादा होता है नुकीला, तो बड़ी हो जाएगी तो उसका नाखून और मजबूत हो जाएगा, तो वो कभी भी नोच देगी तो कुत्ते मर जाएंगे, ठीक है। तो वो बचाने के लिए वो पहले ही मार देता, ओके, तो मारने के लिए रहता, मार देता नहीं, मारने के लिए रहता है, ओके। और हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वी डोंट रन बट वॉक अक्रॉस द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, हम लोग क्यों नहीं दौड़ते हैं और हम लोग क्यों नहीं दौड़ते हैं लेकिन हम लोग चलते, हम लोग दौड़ते क्यों नहीं, हम लोग दौड़ते नहीं हैं लेकिन चलते हैं रोड पे, हम लोग दौड़ना नहीं चाहिए और चलना चाहिए कभी भी रोड को क्रॉस करते हैं, इससे हमें एक्सीडेंट से अवॉइड होगा, हम लोग एक्सीडेंट से बचेंगे। दे आर सो मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, और रोड पे जो बहुत सारे गाड़ियाँ वैन चलती रहती हैं, ठीक है। इन सिचुएशन वी आर सपोज टू वॉक इट ऑन इट केयरफुली बीट आउट डिस्टर्बिंग अदर्स, ऐसे सिचुएशन में हमें आराम से चलना चाहिए, केयरफुली चलना चाहिए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, सॉरी दो और अंतिम क्वेश्चन थे, मैंने नहीं पढ़ा तो अभी मैं पढ़ कर आपको आंसर दे देता हूँ। व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, जो आइसक्रीम होता है वो क्यों ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसे। और दूसरा है राइट डाउन एट लीस्ट टू क्वेश्चन यूजिंग व्हाई, आप एट लीस्ट टू क्वेश्चन बनाइए यूज करके, व्हाई का यूज करके, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है Why do people like ice cream? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा People like ice cream because they feel exciting to eat future cold sweet things. लोग आइसक्रीम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत फील एक्साइटिंग करता है और वो खाने में बहुत ठंडी सी और मीठी सी चीज़ लगती है, ठंडी और मीठी सी चीज़ लगती है, ठीक है। और एटलीस्ट टू क्वेश्चन बनाइए वाई का यूज करके, तो वाई आर यू क्राइंग सो लाउडली, तुम क्यों कस कस करके रो रहे हो। और दूसरा है वाई डू यू स्पीक सो र्यूडली, और तुम कड़क आवाज़ में क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है, चिल्ला नहीं रहे हो मतलब बोल रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन नहीं है एक्टिविटी है, आपको समझा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब फन का टाइम है, मजे का समय है, आपको एक चीज बनाना है पेंटिंग विथ ओनियन हाफ फेस एंड बॉटल टॉप्स। अब आपको क्या करना है, पेंटिंग करना है ओनियन के, प्याज के आधे को, मतलब जो प्याज का आधा होता है ना पीस, उसके साथ और बॉटल जो होता है उसके ढक्कन के साथ। आपको चाहिए दो ओनियन के आधे आधे पीस, दो बोतल के टॉप्स, मतलब दो बोतल के जो ढक्कन होते हैं वो वाटर कलर से ही, और प्लेट चाहिए जिसमें मिक्स किया जाए। और मेथड क्या है, करिए क्या मेथड है, टेक एन ओनियन, एक ओनियन लीजिए, उसे आधा काटिए, मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर विथ अ लिटिल वाटर इन अ प्लेट। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कलर लीजिए और थोड़ा सा कलर मिलाइए और फिर उसे थोड़ा सा वाटर में ड्रिप कीजिए, थोड़ा सा वाटर ड्रिप करेंगे तो ही तो होगा, नहीं तो ज़्यादा मोटा रहेगा तो ज़्यादा यूज भी हो जाएगा, कोई काम भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पानी डालिए, एक दो बूंद, और प्लेट में डालिए और डिप द कट साइड ऑफ द ओनियन इन टू द कलर, और जो कट साइड है उस ओनियन को कलर के साथ डिप कर दीजिए और उसे प्रेस कर दीजिए, नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर टू मेक डिजाइन, और उस डिजाइन बनाने के लिए उस पेपर में डिप कर दीजिए, प्रेस द बॉटल टॉप इन टू द सेंटर ऑफ द डिजाइन,
और जो बोटल टॉप होगा आपको, आप उसे डिजाइन के लिए सेंटर में प्रेस कर दीजिए। यू कैन यूज अनदर कलर फॉर द अदर यूनियन हाफ एंड द अदर वाटर टॉप। अब आप अलग अनदर कलर भी यूज कर सकते हैं और अदर ओनियन मतलब अलग अलग ओनियन की प्याज को भी कट करके डिजाइन बना सकते हैं और बॉटल के टॉप का भी अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको यही पढ़ाया अच्छे से। ये भी एक आया है पोयम, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। द मैन इन एन ओनियन बैंड, एक जो मैन है वो ओनियन बैंड के साथ ही रहता है, ठीक है, प्याज के साथ ही रहता है। तो चलिए पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। आई मेट अ मैन इन एन ओनियन बेड, मैं एक आदमी को मिला हूँ, आदमी से बातें किया हूँ जो कि बस ओनियन के पास ही, प्याजों के पास ही, प्याजों के बिस्तर के पास ही रहता है। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड इज आईज वेयर रेड, वो हमेशा कस कस के रोते रहता, मतलब कस के रोता है, अपने जान के नहीं होता, वो कस कस के रोते रहता है, उसके आँख से आंसू निकलते रहता है और उसके आँख जो लाल रहते हैं। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज, और उसके नाक के एंड तक भी जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, वो गिरते रहते हैं। एज ही एट हिज वे डाउन द ओनियन रोज, और वो ओनियन को मतलब खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है। ही एट एंड ही क्राइड, वो खाता भी है और फिर रोता भी है। बट फॉर ऑल द हिज टीयर्स ही सैंग, लेकिन जो आंसू निकलते हैं इसे दबाने के लिए क्या वो गाता है। स्वीट ओनियंस ओह माई डियर्स, आई लव यू आई डू एंड यू लव मी, बट यू मेक मी एज अ सैड एज अ मैन कैन बी। प्यारे मतलब मीठे प्याज, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ, तुम भी मेरे को प्यार करते हो, और जब तुम मुझे बहुत दुखी बना देते हो, किसी भी आदमी को दुखी कर देते हो, आंसू निकलता तो ऐसे दुखी कर देते हो। इस पोयम को लिखा है जॉन सियार्ड ने, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पोयम को याद कर लीजिए। बहुत अच्छा पोयम जॉन सियार्ड ने लिखा है, ठीक है। और जो हमारा वो वाला पोयम था रिवाइज चैप्टर का भी पोयम है, उसे मैं आपको रिसाइट करके बता देता हूँ कैसा पोयम। तो यही वाला पोयम वाई जिसे अभी मैं आपको पढ़ के समझाया था, चलिए इसे रिसाइट करते हैं, अच्छे से आप पढ़िएगा मेरे साथ। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, वाई दिस, वाई डैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाई द वाई। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम एंड वाई लीड एंड मार्बल सिंग, why sun should shine and why wind should blow and why we eat and drink. He wants to know that what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flower die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try, other no one ever it has found the reason why. तो इसे आप अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ये एक अच्छा पोयम है जिसे आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको NCERT क्लास 4 चैप्टर 9 वाई चैप्टर के सारे एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और क्वेश्चन आंसर भी बता दिया हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर जो आपको वो एक्टिविटी है वो आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है, वो तो मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊँगा, और जब मैं अपना फेस रिवील करूँगा तो आपको दिखा दूँगा। ओके, और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक एम है 10 लाइक एम, जल्दी पूरा कर दीजिएगा, सभी वीडियो में 10 लाइक एम हो रहे थे, इसमें भी जरूर कर दीजिएगा, जल्दी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर जगह, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह। मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप जल्दी बना रहा हूँ, 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, मैं आपके लिए बना दूँगा, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर तो पूरा हो ही जाएगा, कल 79 था 80 हो गया, तो ऐसे ही करते करते 100 सब्सक्राइबर जल्दी कर दीजिए। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिसके टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, बाय।